अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 10th क्लास में लेक्चर नंबर 4 है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है जब वो अनफंक्शनल होती है, मीन्स जब भी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो अपने फंक्शंस नॉर्मल परफॉर्म नहीं करता, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो क्या है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है कि ब्रोंकाई में क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, खराबी हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, ट्रेकिया जो है आगे इस तरह से ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, और इस इन ब्रोंकाई के अंदर जब जो होती है इन्फ्लामेशन हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा म्यूकस की सेक्रेशन होती है। म्यूकस क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है। इसमें म्यूकस की बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होती है और ये जो वॉल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं। और फिर इसके अलावा जब इसके अंदर म्यूकस ज़्यादा होगा, वॉल स्वेल कर जाएंगी, तो इसमें जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, तंग होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद क्या है, काजेज़, यानी इस ब्रोंकाइटिस किस वजह से हो सकता है, वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर जो है टोबाको स्मोक। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये ब्रोंकाइटिस हो सकती है। फर्दर इसके टू टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अक्यूट पॉकेट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ये तकरीबन 2 वीक्स तक जो है ये रहता है और इसमें बॉडी जो है, बॉडी के अंदर कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता। ठीक है, परमानेंट डैमेज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रिकवरी इसमें जल्दी हो जाती है और ये 2 वीक्स तक रहता है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये तकरीबन 3 मंथ से 2 ईयर्स तक रहता है और इसमें बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे लंग्स वगैरह हैं, लंग्स टिश्यूज़ हैं, वो क्या होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने आती है। इसके बाद क्या है, इसकी सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स मतलब क्या, पता कैसे चलता है कि ये ब्रोंकाइटिस है। इसमें क्या होता है, कफ होती है। ठीक है, कफ किसको बोलते हैं, खांसी को, फीवर, बुखार, चिल्स, माइल्ड वीजनिंग, यानी कांपना शुरू हो जाना। इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, यानी सांस लेने में जो होती है वो क्या होती है, दुश्वारी होती है। ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकाइटिस का इसके रिजल्ट्स, काजेस, टाइप्स और सिम्टम्स। इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा डिसऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, एम्फिसीमा। इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो सैक्स, बड़ी बड़ी सैक्स बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो इसमें से पुश बैक, यानी एयर जो है वापस नहीं जाती और लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बॉडी, इसमें लंग्स जो है वो अपनी नॉर्मल पोजिशन पर नहीं आते और इसमें से लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, एयर को सही तरह से बाहर नहीं आने देते। इसके सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस में दुश्वारी, के फैटी थकावट, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, वेट लॉस हो जाता है और इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, सिम्टम्स के शो होने तक, जब तक सिम्टम्स शो होती हैं तब तक तकरीबन 50 से 70% जो लंग्स टिश्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। ये था हमारे पास एम्फिसीमा। दैट्स ऑल।